एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी मौर्य और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शालिनी मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन कैसे करें। मतलब हम कुछ लोगों की बात करें तो वो काफ़ी कुछ खाते हैं, काफ़ी सप्लीमेंट लेते हैं, काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोटीन या हाई कैलोरी डाइट भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो देखते हैं कि वो कमज़ोर बेजान दुबले पतले से ही रहते हैं, उनके शरीर में कुछ नहीं लगता। भी खा ले, वो कुछ भी कर ले, उसके साथ योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फुल डाइट भी लेते हैं, लेकिन उनके शरीर में कुछ नहीं लगता। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से आपके शरीर में नहीं लगता है और आप दुबले पतले ऐसे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीज़न, आखिर रीज़न क्या है जो आप मोटे नहीं हो पा रहे हैं, आप हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे मेजर रीज़न है जेनेटिकली। अगर आपकी फैमिली में मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना, मतलब आपकी फुल फैमिली ही वैसी दुबले पतले से हैं सब लोग, तो जेनेटिकली हो सकता है या बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकता है कि आप इस वजह से भी दुबले पतले हों। सेकेंड रीज़न हो सकता है मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, या तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है या बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है, अगर मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब है तो भी आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा। आप चाहे जितना भी खा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा, आप दुबले पतले से ही रहेंगे। तीसरा रीज़न देखा जाता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, मतलब आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, अगर ऐसे कुछ आपको बीमारियां हैं, वो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में ना लगे चीज़ें, आप इसीलिए भी दुबले पतले हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, इस वजह से भी आप लगातार दुबले पतले और कमज़ोर होते जा रहे हैं। चौथा रीज़न हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने में प्रोटीन, विटामिन और फैट या कार्ब्स की कमी हो, जिसकी वजह से आप खा तो रहे हैं लेकिन आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पा रहा हो, जिसकी वजह से आप लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, या फिर आपको एक पूरी तरह बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिससे आप लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि वो बहुत चूजी टाइप के होते हैं, मतलब उनको खाने में बस एक दो चीज़ें ही स्पेसिफिक अच्छी लगती हैं, बाकी चीज़ें वो खाने में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, वो नहीं खाते या ज़्यादातर खाना छोड़ देते हैं। तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले पतले से दिखते हैं और उनके शरीर में कुछ नहीं लगता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे सल्यूशन की, कि क्या है सल्यूशन जिससे आपका वेट गेन हो सके। तो आज जो मैं आपको सल्यूशन बताने वाली हूँ वो पूरी तरह नेचुरल होगा, बिना किसी केमिकल के आप मोटे होंगे, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके शरीर में चीज़ें लगेंगी, आप हेल्दी होंगे, आप देखेंगे कि आपके स्किन पे ग्लो आ रहा है, इसके साथ साथ आपका वेट गेन हो रहा है और आप हेल्दी हो रहे हैं। पहली मेडिसिन है, उसका नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा माल्ट। ये पूरी तरीके से नेचुरल है, इसमें कोई भी हार्मफुल कोई भी केमिकल नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ों से मिल के बनी हुई है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपकी भूख को बढ़ाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी बॉडी में होने वाली न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक बहुत अच्छे से असर करता है और ये बच्चे बूढ़े और बड़े सभी के लिए हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा मार्ट की आपको 1 टीस्पून लेना है, 1 गिलास दूध में डालना है, उसको मिला करके पीना है। इस तरह आपको सुबह खाली पेट पीना है और रात में खाना खाने के बाद या आधे घंटे बाद लगभग आपको 1 टीस्पून लेना है अल्फ़ा अल्फ़ा मार्ट, दूध में मिलाना है और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पीना है।
इस बात का आप ध्यान रखें कि सुबह सुबह आपको खाली पेट ही इसे लेना है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को देखा गया है कि दूध नहीं पसंद है या फिर वो नहीं पीते हैं, उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो आपको 1 टीस्पून अल्फा अल्फा की लेनी है और ऐसे ही आप उसको खा सकते हैं। बहुत ही इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे ही सुबह 1 टीस्पून ले लीजिए और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लीजिए। जेंशियाना लूटिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वेट गेन करने के लिए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उनका मन नहीं होता है खाने का, कहते हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा खाने को, मुझे भूख नहीं लगती, जेंशियाना लूटिया उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपकी भूख को तो बढ़ाती है, साथ में आपको जो खाना अच्छा नहीं लगता, आपको खाने का मन होगा, इसको लेने के बाद में आपको खाना खाना अच्छा लगने लगेगा, आपकी डाइट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जेंशियाना लूटिया मदर टिंचर की 5 बूंद आधे कप पानी में सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद 5 बूंद आधे कप पानी में लेना है। ये जो थर्ड मेडिसिन है उसका नाम है 5-FOX-6X टैबलेट। 5-FOX-6X एक कंप्लीट फूड प्रोडक्ट है। ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है, इसमें किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। मतलब कुछ लोगों जो बेमतलब चिड़चिड़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, अपना गुस्सा खाने पर निकालते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाता है, आपके चिड़चिड़ापन या गुस्से को शांत करता है, आपके मन को शांत करता है और आप में भूख को बढ़ाता है। आप अच्छे से खाना खाते हैं, आप खुश होकर खाना खाते, आपके शरीर में खाना लगता है और आपका वेट गेन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। को 5-FOX-6X की 4 टैबलेट मॉर्निंग में और 4 टैबलेट रात में बिना पानी के खाना है। मतलब वो टैबलेट मीठी गोलियां होती हैं, उन्हें आप टॉफ़ी की तरह मुंह में रखें, ये अपने आप घुलना शुरू हो जाएंगे। इसका स्वाद बहुत ही हल्का सा मीठा होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको खाने के लिए। तो 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट रात में इसको लेनी है। इन तीनों मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही नेचुरल है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं। ये किसी भी तरीके का सप्लीमेंट नहीं है, आपको नेचुरल तरीके से भूख को बढ़ाता है, आपको हेल्दी रखता है, आपके मन को शांत, आपके गुस्से को शांत रखता है, साथ ही आपको अच्छा फील करता है जिससे आपको भूख लगती है और आप अच्छे से खाना खाते हैं। के साथ साथ आप में होने वाली न्यूट्रिशन की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको थोड़ी देर योगा या एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए और थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत हो जाए, आप बहुत ही शांत रहें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।